बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि स्त्री एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मिति है, इसलिए उसकी सारी प्रश्न, उसके सारे उलझाव और उनके सारे निराकरण समाज की परंपराओं में और सामाजिक संबंधों के ताने बाने में ही निहित होंगे। भूमंडलीकरण और बाजारवाद ने हमें लिबर्टी के नाम पर लिबर्टी का एक भ्रम प्रदान किया है। लिबर्टी के इस भ्रम से सचेत होते हुए हमें यह समझना चाहिए कि समाज में सत्ता सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पूंजी है। और एक सर्वे कहता है कि आज की तारीख में दुनिया की कुल पूंजी का सिर्फ 2% हिस्सा आधी आबादी के पास यानी कि स्त्रियों के पास है, और उसमें भी इन 2% में भी असली लिबर्टी तो उन चंद महिलाओं के पास है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। शेष स्त्रियां लिबर्टी के भ्रम में जी रही हैं। हमने सिर्फ मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड इसको ही लिबर्टी समझ लिया है, जहां पर स्त्रीत्व के नाम पर दैहिक सौंदर्य को पुरस्कृत किया जाता है। यानी बाजारवाद ने हमें लिबर्टी नहीं दी, लिबर्टी का भ्रम दिया, या मैं कहूं कि एक अलग तरह की गुलामी दी। नहीं तो क्या कारण है कि आज भी पुरुष के उपयोग में आने वाली हर वस्तु, चाहे वो रेजर हो, शेविंग क्रीम हो, अंडरवियर बनियान हो या पान मसाला हो, हर विज्ञापन में स्त्री ही नजर आती है। तो धोखाधड़ी से भरे हुए इस समय में स्त्री रचनाकारों की यह विशेष जवाबदारी बनती है कि वे कविता में पुरुषों के तय किए गए मानकों के मकड़ जाल में उलझे बिना स्त्री की निर्मिति के समस्त कारकों पर ठोस और सैद्धांतिक रूप से चर्चा करें। और ये काम बीते 2 दशक की कविता में कुछ हद तक हुआ भी है। बीते 2 दशक की कविताओं को जब मैं खंगालती हूँ तो मैं पाती हूँ कि स्त्री इस बात को लेकर सचेत हुई है कि वो एक वस्तु या कमोडिटी नहीं है, और कविताओं में इस चीज की गूंज दिखाई देती है। नीरेश रघुवंशी की एक कविता है सुंदरियों, जिसमें वो स्त्रियों को चेताते हुए कहती हैं, वो कहती हैं कि तुम सम्मान समारोह में श्रीफल शॉल तश्तरी लेकर मत खड़ी रहो, मंच पर मत बांचो अभिनंदन पत्र, अपनी उपस्थिति को सिर्फ मोहक और दयनीय मत बनने दो। तो दूसरी ओर निर्मला पुतुल कहती हैं अपनी एक कविता के अंदर कि अखबार बेच रही है या खबर बेच रही है, मैं यह नहीं जानती, मुझे लेकिन पता है कि वो अपने पेट के लिए, अपनी रोटी के लिए वो अपनी आवाज बेच रही है। अपने स्त्रीत्व को तलाशती औरत जब छटपटाती है, बीते 2 दशकों में कविताओं में वो अपने सम्मान को दर्ज करती है, वो अपने स्वाभिमान को दर्ज करती है। बीते 2 दशक की कविताओं में स्त्री अपनी साधारणता, कमजोरियों और विशिष्टताओं के साथ विद्यमान है। अनामिका जहां एक और अपनी कविता में घरेलू स्त्री के उस कार्य को महिमामंडित करती हैं, जैसे रोटी बेलना, चौका, चूल्हा, जिसके एवज में पैसा मिलना तो दूर, उसको सम्मान देने लायक तक नहीं समझा जाता, तो दूसरी ओर कात्यायनी है जो पुरुष के ऊपर व्यंग करती हैं, करारा प्रहार करती हैं और कहती हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी औरत तो दी होती जिसका कुछ तो भला किया जा सकता। यह औरत तो बस भात रान सकती है और बच्चे जन सकती है, इसे भला कैसे मुक्त किया जा सकता है, बताइए। यानी भात रानना, बच्चे जनना, ये कोई सम्मान, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। सम्मान की बात तो आप जाने दीजिए।
अपने अस्तित्व को तलाश की औरत ने ये समझा है, ये जाना है कि अगर पुरुषों की बनाई हुई इस दुनिया में उसे अपनी जमीन तलाशनी है, अगर उनके रचे कुचक्रों से उसको बाहर निकलना है तो उसे लिखना होगा, पढ़ना होगा और भाषा में खुद को दर्ज करना होगा। और यही सबसे बड़ा हथियार होगा पुरुषों की नींद उड़ाने का। नीलेश की कविताओं के अंदर स्त्री स्त्री का भेद दिखाई देता है। ये बाजारवाद की फलश्रुति है कि कुछ स्त्रियां समृद्ध हैं और कुछ स्त्रियां कामगार हैं। नीलेश अपनी कविता में कहती हैं कि तुम काम वाली बाई कान मत दो हमारी बातों पर, तुम काम वाली बाई कान मत दो हमारी बातों पर, बुहारो ठीक से, चमकाओ बर्तन, निपटाओ बखूबी अपने सारे काम काज, अभी मुक्त होने दो समृद्ध संसार की औरतों को, फिलहाल सबकी मुक्ति संभव नहीं है। पैसे की जिस असंगतता की मैंने अभी बात की उसको भी नीलेश अपनी एक कविता में बहुत अच्छे से कहती है कि उसने अपनी जेब में इतने अहंकार से हाथ डाला कि उस पल मुझे लगा काश किसी के पास जेब न होती तो कितना अच्छा होता। आखिर क्यों हो किसी के पास कोई जेब? पुरुष का चाहे कोई भी परिधान हो, जेब का उसके हर परिधान के अंदर एक विशेष स्थान रहता है, जबकि स्त्री के किसी भी परिधान के अंदर जेब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री के लिए संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। स्त्रियों से जुड़े हुए कई अनछुए विषयों पर कविताएं बीते दो दशकों में लिखी गई हैं और मुझे खास तौर से संदर्भ में याद आता है शुभम श्री की एक कविता सैनिटरी नैपकिन, जहां शुभम श्री खुलकर कहती हैं कि पुरुष प्रधान समाज में वीर्य के लिए स्तुति श्लोक लिखे गए, लेकिन स्त्री का मासिक धर्म आज भी सहज नहीं माना जाता, आज भी लज्जा का विषय समझा जाता है। ऐसे अनछुए विषयों पर लिखना दोधारी तलवार पर चलने के समान है कि किस तरीके से आप अश्लील हुए बिना कविता में कविता को बचाए रखते हुए अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। बात अनछुए विषयों की चल रही है इसलिए कहना चाहूंगी कि अभी कैथर कला की औरतें, बस्तर और छत्तीसगढ़ में कोलियारी और ईंट के भट्टों पर काम करने वाली लड़कियां, भूमि संघर्ष में पुरुषों से ज्यादा साहस का परिचय देने वाली औरतें, इन सब का अभी कविता में आना बाकी है। इन सब के संघर्षों पर कविता में बात करना अभी बाकी है। आदिवासी लड़कियों की, आदिवासियों की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है। उनका जल, जमीन और अस्मिता का संघर्ष है। उन्होंने आज तक भौतिक सुख सुविधाएं नहीं देखी। उनका भुखमरी और गरीबी का संघर्ष है। दारू की एक बोतल में उनके परिवार के पुरुष जब बिक जाते हैं और स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है वहां पर उसका आर्तनाद है। पुलिस के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने पर उनको नक्सली करार कर दिया जाता है, वहां पर इसका संघर्ष है। अभी इन सारे विषयों पर बात होनी बाकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।